कंगना रनौत ने नेताजी सुभाष को कहा देश का पहला पीएम, जिसके बाद उनके ग्रेजुएशन और उनकी पढ़ाई पर सवाल खड़े हो गए। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। जब से बीजेपी में उन्हें उम्मीदवार बनाया है, वो लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर है। अब बीआरएम नेता केटी राम राव ने कंगना रनौत पर चुटकी ली। दरअसल कंगना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रथम प्रधानमंत्री कह डाला। उनकी इस टिप्पणी पर केटी राम राव ने कंगना को जमकर घेरा है। एक टीवी इंटरव्यू में एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी कंगना ने कहा, मुझे एक बात बताओ, जब हमें आजादी मिली थी तो भारत के पहले पीएम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए? कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कंगना रनौत के बयान को शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, उन्हें हल्के में मत लीजिए, वो बीजेपी नेताओं की लिस्ट में सबसे आगे निकल जाएगी। बता दें, कंगना रनौत को तब भी काफी ट्रोल किया गया था जब उन्होंने दावा किया था कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को असली आजादी मिली थी। कंगना को अब एक बार फिर से निशाने पे लिया जा रहा है। अपने बयान से कंगना रनौत एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। बता दें, कंगना बीजेपी की टिकट पर हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। 24 मार्च को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 111 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें मंडी से कंगना रनौत का भी नाम शामिल था। वहीं कंगना ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि वो बीजेपी में शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।